साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण तूफान ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस आपदा में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए तथा असंख्य लोगों की जान गई। आज मैं आपदा की पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा। हाय दोस्तों, मैं एसके मदेसिया आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आदित्य एम ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो दोस्तों, 14 जून 2013 में केदारनाथ मंदिर का द्वार धूमधाम से खोला गया। लोग बहुत बहुत दूर से अपनी दुख सुख लेकर आए थे तथा लोगों में बहुत ही उमंग दिख रही थी। प्रतिदिन लोग करोड़ों की संख्या में आते थे तथा अपनी मुरादें मांगकर प्रतिदिन जाते भी थे। लेकिन 15 जून 2013 में 3 दिन पहले से ही हो रही लगातार बारिश की वजह से बहुत से लोग घोड़े गाड़ी से अपने घर की तरफ रवाना हो गए, लेकिन कुछ लोग अभी मंदिर के परिसर में मौजूद थे। बारिश रुकने के इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को यह मालूम नहीं था कि उनका सामना एक भीषण और आखिरी प्रलय से होने वाला है। 15 जून 2013 से बारिश जारी हो गई थी। वहां के लोगों के अनुसार ऐसा बारिश आज तक नहीं हुई थी, जिसके कारण केदारनाथ मंदिर के आसपास झीलों तथा गड्ढों में पानी भर गई थी। वहां के मिट्टी युक्त पहाड़ पिघलने लगे थे। पुजारी से लेकर कई श्रद्धालु भी मंदिर के आसपास होटलों तथा परिसरों में बैठकर बारिश खुलने का इंतजार करते रह गए, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनका सामना एक भीषण तूफान से होने वाला है। केदारनाथ मंदिर के आसपास बहने वाली सरस्वती और मंदाकिनी नदी भी उफान रही थी। खासकर मंदाकिनी नदी के ऊपर से पानी निकल रही थी। लोग भयभीत होते जा रहे थे। 16 जून 2013 को करीब रात 8:30 पर लगातार बारिश तथा बादल के फटने से चारों तरफ मिट्टी पिघलना शुरू हो गया था और अचानक 16 जून 2013 को करीब 8:30 पहाड़ का पानी एक संचय मंदिर की तरफ से बस्ती उजाड़ते हुए चली गई, जिसके कारण इस पानी के साथ साथ कितने लोग स्वर्गवास हो गए तथा जो लोग बच गए वो आसपास के होटलों में जाकर ठहर गए। लेकिन उनको क्या पता था कि सुबह इसे भी भीषण तूफान का सामना करना पड़ेगा। रात के समय जहां लोगों की जय जयकार गूंजता था, वहां 13 जून की रात लोगों की चीख पुकार गुजर रही थी। अचानक मंदाकिनी नदी के पास में तेज गड़गड़ाहट के साथ बादल फट गया। करीब 40 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से 100 मीटर ऊंचे पानी चलता हुआ केदारनाथ बस्ती की ओर बढ़ता गया, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान गई तथा कितने होटल पर, कितने घर, कितने रेस्टोरेंट तहस नहस हो गए। केदारनाथ में कितने लोगों के रिश्तेदार आंखों के सामने बह गए, इनमें से कितने लोगों का पता आज तक नहीं चल पाया। घंटों बाद केदारनाथ बस्ती में घरों तथा लोगों की जगह पर पत्थर ही पत्थर, मलबा ही मलबा दिखाई देने लगा। इस आपदा के कारण कितने गांव उजड़ गए, कितनी क्षति हुआ। कुछ दिनों बाद फिर से वहां का सफाई का कार्य शुरू किया गया। तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नए अपडेट में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।